और कुछ ज्ञान के बिंदुओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चित मान करके चलिएगा, मनुष्य को अपने पूरे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीखना ही पड़ता है, और अगर वो ना सीखे तो कहीं ना कहीं उसके जीवन के अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है। इसलिए एक पंक्ति आई शास्त्र में, यावत जीवति तावत अधीते, मनुष्य जब तक जिए तब तक उसको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो कोशिश ये करेंगे कि कई बार हमारे मन के अंदर भाव आता है कि लगभग लगभग चीज़ें हमको आती हैं, इसलिए हमको कुछ नया सीखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर समय मनुष्य को सन्नद्ध होना चाहिए सीखने के लिए। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा अपने आप को केंद्रित करेंगे, कोई भी आता है जाता है हम उसकी तरफ देखना प्रारंभ कर देते हैं, ये सभा का शिष्टाचार नहीं होता है। आपने उसको कई बार देखा है, आगे उसको फिर देख लेंगे बाद में, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि जिस निमित्त हम यहाँ बैठे हैं उस निमित्त को हम पूरा करें, क्योंकि विद्यार्थी और श्रोता दोनों का मन अगर अध्यापक और उपदेशक के शब्दों में होता है तो ठीक ठाक रहता है। एक दिन मैं गुरुकुल में पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपने छात्रों से एक प्रश्न पूछा, ओम ओम ओम, ठीक है और कुछ करेंगे, चलिए अगर पीछे वालों को कम आवाज आ रही हो तो आप यहाँ आगे आ सकते हैं, जगह है काफी पर्याप्त है। तो आ रही है आवाज, चलिए। हाँ माता जी, अगर ज्यादा लग रही हो तो इधर उधर बैठ सकते हैं, नहीं कान के पास में फिर दिक्कत हो। तो ठीक है, चलिए चलिएगा, अब थोड़ा सा जो है केंद्रित करेंगे, अब जैसा भी है वैसा सुनते रहिए, क्योंकि संगीत के अंदर ज्यादा आवाज की चीज रहती है कि प्रिय लगे, शब्दों में तो क्या है, शब्दों को सुनना है और सुन करके आत्मसात करना है। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि गुरुकुल में एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो दर्शन के अंदर दो शब्द बहुत प्रमुख रूप से आते हैं। आप में से जिसने दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा, एक शब्द होता है सत्य और एक शब्द होता है भ्रम। सत्य और भ्रम, सत्य और भ्रम, ये बार बार आ रहा था। मैंने विद्यार्थियों को सत्य की और भ्रम की परिभाषा समझाई, उसके उदाहरण प्रस्तुत किए, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा समझ में आ गया? तो सामान्य रूप से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको समझ में आता है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शामिल बाजा के रूप में हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ गया आ गया आ गया। तो मुझे एक दो विद्यार्थियों का लगा कि इनको समझ में ठीक से आया नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ आ गया। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जो ये चौक पकड़े और ब्लैक, ओम ओम, देखो
देखो अब जितना जो कुछ करना है एक बार कर लो, क्योंकि दिक्कत हो जाती है कि बार बार। तो मैंने विद्यार्थियों को कहा कि जी ये चौक लो, ब्लैक बोर्ड पर आ जाओ। तो एक विद्यार्थी बोला जी मैं बता तो दूंगा अगर आप गुस्सा ना करें तो। तो मैंने कहा जी गुस्सा क्यों करूंगा जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि बताना है। तो बोले जी उदाहरण थोड़ा सा जरा ठीक ठाक नहीं है। मैंने कहा दो कौन सा उदाहरण है। बोले जी आप पढ़ा रहे हो ये तो सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुना रहा हूं ये तो सत्य है और आप सुन रहे हैं ये कहीं मेरा भ्रम हो जाए। तो थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करेंगे। दो शब्द इस संसार में आपने सुने होंगे, एक शब्द जिसको हम ईश्वर कहते हैं और एक शब्द जिसको हम धर्म कहते हैं। ये दोनों शब्द ऐसे हैं मनुष्य का आज तक तो इनके बिना गुजारा चला नहीं, आगे गुजारा चल जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। ये सबसे प्रमुख शब्द हैं ईश्वर और धर्म। पर आपको आश्चर्य होगा जब पूरे मानव समुदाय का आप खोज करेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि सबसे ज्यादा विवादित अगर कोई शब्द है तो यही दोनों शब्द हैं। आज जितनी मारामारी भगवान को लेकर के ईश्वर को लेकर के है इतनी आपको और विषय में नहीं लगेगी। और व्यक्ति को ज्यादा लेना देना भी नहीं होता है, कोई उसको समझा दे कि ये जो ऑक्सीजन कैसे बनेगा तो हम वहां किंतु परंतु करने नहीं जाते। कोई हमको ये समझा दे कि ये माइक कैसे बनेगा तो बनेगा तो बनेगा। कोई हमको ये कहे कि ये पूरी कैसे बनेगी तो बनेगी तो बनेगी। लेकिन जैसे ही ईश्वर की बात आती है तो आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रतिभावान बन जाता है। और आप अनुभव करके देखें, धनवान से धनवान हो, निर्धन से निर्धन हो, पैसे वाले सा पैसे वाला हो, पढ़े लिखा सा पढ़ा लिखा हो, मूर्ख से मूर्ख हो, ऊंचे पद पर बैठा हो या नीचे पद पर बैठा हो, आदमी दूसरे विषय की बात करे ना करे लेकिन भगवान की बात वो जरूर करता है। और इसका सबसे प्रमुख कारण पता है क्या, जो सबकी आवश्यकता की वस्तु होती है उसको हर कोई पकड़ने का प्रयास करता है। मान लीजिए मैं सोने की दुकान सुनार बनकर के खोल लूं तो कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी पता नहीं। अगर मैं वस्त्र के कपड़े की दुकान खोल लूं कितना चलेगी कि नहीं चलेगी पता नहीं। लेकिन मैं भोजन का ढाबा खोल के बैठ जाऊं तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो तो चल ही जाएगा क्योंकि भोजन की आवश्यकता सबको है। चाय का अगर ढाबा खोल लूं मैं तो चाय पीने के लिए तो लोग आएंगे ही। तो जिस विषय की आवश्यकता जितने ज्यादा लोगों को होती है उस विषय के अंदर व्यक्ति उतना इन्वॉल्व रहता है। और ये जो ईश्वर है ना, इसके बिना काम किसी का चलता नहीं, चाहे वो आस्तिक हो और चाहे वो नास्तिक हो। व्यक्ति कह जरूर दे जी मैं नहीं मानता भगवान अगवान को, मेरे जीवन के अंदर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर घोर से घोर नास्तिक को भी देखना, जब जीवन के अंदर नितांत दुख आता है और उसको चारों तरफ कोई रक्षक दिखाई नहीं देता है, कोई सुरक्षा करने वाला दिखाई नहीं देता है, उस समय एक ही चीज उसको याद आती है कि हे भगवान तुम कहीं हो तो मेरी रक्षा और सुरक्षा कर लो, इसके बिना गुजारा नहीं है। पर आप अनुभव करके देखिए, जो ईश्वर जीवन के लिए इतना प्रमुख है उसके विषय में जब हमें जानना होता है तो हम एक्सपर्ट के पास में नहीं जाते, उसका निश्चय हम स्वतः ही करते हैं। मान लीजिए कभी आपको पेट में बहुत दर्द हो रहा हो तो क्या आप इंजीनियर के पास में जाएंगे कि जी आप बहुत अच्छे अच्छे नक्शे बनाते हो, बहुत सुंदर सुंदर पुलों की व्यवस्था करते हो, जरा एक गोली लिख करके दे दो पेट दर्द की। हम नहीं जाएंगे उसके पास में। अगर कभी घर का हमें नक्शा बनवाना है तो कोई आदमी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता कि डॉक्टर साहब आप नक्शा बना के दे दो, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो। और अगर आप चले भी गए
तो डॉक्टर कहेगा जी ये मेरे बस का काम नहीं है। आपको कभी अगर अपने अकाउंट को ठीक करवाना है तो कोई भी आदमी किसी सीए के पास ही जाएगा, किसी दूसरे के पास में नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति जिस विषय का एक्सपर्ट है, जब उस विषय का ज्ञान लेना होगा तो हम उसके पास में जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसा है जिसके बारे में व्यक्ति स्वतः निर्णय करता है, और बंधु वो केवल निर्णय नहीं करता है, अपनी मानी हुई मान्यता को वो इस दुनिया में सर्वोपरि मानता है। वो ये मानता है जो मैंने माना बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और उसका कारण पता है क्या है? उसका एक ही कारण है, मनुष्य अपने जीवन में अपनी बुद्धि से जिस चीज का निर्णय करता है वो अपनी बुद्धि को सबसे अधिक मानता है। आप किसी व्यक्ति के पास में जाइए और उससे कहना कि भाई साहब आपसे ज्यादा अच्छे कपड़े मैंने पहने हुए हैं, सामने वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उससे कहना भाई साहब आपसे ज्यादा सुंदर घर मेरा है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उससे कहना जितनी तुम्हारी जेब में पैसे है ना उससे ज्यादा मेरी जेब में पैसे हैं, सामने वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे आप एक बात कह दीजिए कि जितनी खोपड़ी तुम्हारे अंदर है ना, जितना दिमाग तुम्हारे अंदर है उससे ज्यादा दिमाग मेरे अंदर है। इस बात को इस दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता। सबका ये मानना है दुनिया में डेढ़ बुद्धि, एक मेरे पास में है और आधे में यह सारी दुनिया अपना काम चला रही है। तो जब वो अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानता है तो इस बुद्धि से जो निर्णय करता है उस निर्णय को भी सर्वोत्तम मानता है। और वही कारण है कि ईश्वर के विषय में हमारी जितनी बुद्धि है उस बुद्धि से हमने जो निर्णय किया उस निर्णय को हमने सर्वोपरि मान लिया। और बंधुओं इस संसार में जितने मनुष्य हैं सबकी बुद्धि और चिंतन का स्तर अलग अलग प्रकार का है। तो सबने क्या किया, अपने अपने चिंतन और बुद्धि के स्तर के आधार पर ईश्वर को व्यवस्थापित कर दिया, और व्यवस्थापित ही नहीं किया उसके नाम पर लड़ना प्रारंभ कर दिया। मेरा भगवान ज्यादा शक्तिशाली, तुम्हारा भगवान कम शक्तिशाली। मेरे भगवान के अंदर ज्यादा कृपा करने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर कम है। और ये विवाद ऐसा बढ़ता चला गया जिसके लिए ऋषि दयानंद एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत देते हैं। कवि 11वें समुल्लास को पढ़ के देखिए, बड़ा रोचक वो समुल्लास है। उसके अंदर कई चीजें ऐसी हैं जिसको पढ़ करके आपको रोना आएगा कि हमारी बुद्धि में कैसे ताले लग गए थे, और कई चीजें पढ़ करके आपको हंसना आएगा कि हमारे मानव समुदाय की क्या स्थिति बन गई। वहां पर एक दृष्टांत देते हैं, वो बोले जी एक गुरु जी के दो शिष्य थे, दोनों शिष्य बड़ी सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हुई तो आप सबको पता होगा जब हमारे बीच में लड़ाई होती सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, तू मुझसे मत बोलना, मैं तुझसे नहीं बोलूंगा, तुझे मुझसे लेना देना नहीं है, मुझे तुझसे लेना देना नहीं है, और हर चीज का बंटवारा हो जाएगा, ये मेरा ये तेरा। कहते दोनों चेलों का बंटवारा हो गया। अब एक चेले ने कहा एक बात तो बता, बंटवारा करें तो किस चीज का करें, ये जो कपड़े हैं वो भी गुरुजी ने दिए, जिस झोपड़ी में रह रहे हैं ये भी गुरुजी की है, जो किताबें हैं वो भी तो उन्हीं की हैं, भोजन भी उन्हीं के यहाँ करते हैं। तो बोले बंटवारा किस चीज का करें। तो एक चेला जरा थोड़ा सा होशियार था, उसने कहा देखो और तो अपने पास कुछ है नहीं, ये गुरुजी तो अपना ही है ना। बोले हाँ गुरुजी अपना है। बोले ये गुरुजी का ही बंटवारा कर लो। बोले गुरुजी कैसे बंटवारा करेंगे। बोले देख आधा गुरुजी तेरा और आधा गुरुजी मेरा, तो जब अब आधा आधा हो गया तो एक पैर मैं दबाऊंगा, एक पैर तू दबाना, एक हाथ मेरा एक हाथ तेरा। तो अब जब गुरुजी आधे हैं तो गुरुजी का काम भी अब आधा आधा होगा। बर्तन मैं मांजूंगा, झाड़ू पोछा तू कर लिया करना, भोजन मैं बनाऊंगा, गाय की व्यवस्था तू कर लेना, बाजार से सामान मैं लाऊंगा, गुरुजी के कपड़े तू धो देना। कहते दोनों का बंटवारा हो गया। बंधुओं जब बंटवारा हो गया तो ये सामान्य रूप से आपने देखा होगा
जब कोई चीज आपकी अपनी होती है ना, तो उसमें ज्यादा श्रद्धा से व्यक्ति लगता है। आप देखेंगे घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो कचरा उठा करके कहां फेंक देते हैं, रोड में फेंक देते हैं। कारण क्या है? घर को हम अपना मानते हैं और रोड को हम अपना नहीं मानते। जिसको हम अपना मानेंगे उसको सुरक्षित और व्यवस्थित करने का हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। तो दोनों लोग अब अपने अपने हो गए थे, बड़े आराम से गुरुजी की सेवा करते थे। गुरुजी ने भी विचार किया, अच्छा हुआ इनकी लड़ाई हो गई, अब इनको काम की नहीं कहना पड़ता है, ये लोग अपने आप काम सारे कर लेते हैं। गुरुजी की सेवा जब करते थे तो एक शिष्य अगर 20 मिनट ये वाले पैर को दबाता था तो दूसरे वाला 25 मिनट दबाता था कि जिससे मेरे वाले पैर को ज्यादा आराम मिले। कहते हैं बढ़िया चल रहा था। एक दिन गर्मी के दिन थे, गुरुजी एक पेड़ के नीचे तखत पर लेटे हुए थे। लेटे लेटे क्या हुआ, गुरुजी ने करवट ली, तो आप अनुभव करेंगे करवट लेने पे क्या होता है, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर जाने वाला था, और जैसे ही गया तो जिस चेले का ये वाला पैर था उसने दूर से देखा, बोले अच्छा जब मैं नहीं रहता हूं तो ये उसका पैर मेरे पैर के ऊपर चढ़ जाता है। ऋषि दयानंद कहते होशियार बड़ा था ये, बोला चाला कुछ नहीं, झोपड़ी के अंदर गया, एक तेल पिया मोटा, बांस का डंडा रखा हुआ था, लेके आया और गुरुजी के दाहिने पैर में खींच के मारा। गुरुजी भड़बड़ा के उठ के बैठ गए, बोले नालायक ये क्या कर दिया। बोले क्या कर दिया, ये उसका पैर मेरे पैर के ऊपर कैसे आया। गुरुजी ने कहा इस मूर्ख को कौन समझाए। कहते प्याज हल्दी सब गर्म करके पैर में बांधी, पैर सूज के मोटा हो गया। शाम को दूसरे वाला शिष्य आया, उसने कहा लाओ गुरुजी सेवा कर दूं। बोले सेवा क्या कर दे, जिसकी करनी है वो तो टूटा पड़ा हुआ है। बोले क्या हुआ, बोले उस नालायक ने मार करके तोड़ दिया। गुरुजी क्यों तोड़ दिया, बोले ये पैर उसके ऊपर चला गया था। ऋषि दयानंद कहते होशियार ये भी बहुत था, इसने भी कुछ नहीं कहा, वो ही वाला डंडा लेके आया और दूसरे पैर में खींच करके मारा। बोले गुरुजी ने कहा अब तूने ये क्या कर दिया। बोले उसने मेरा पैर तोड़ा, मैंने उसका पैर तोड़ दिया। ऋषि कहते हैं हमें इन मूर्ख शिष्यों पर हंसी आएगी, कैसे पागल हैं, मेरा पैर करके अपने गुरु के दोनों पैर तोड़ डाले। लेकिन ये विचार नहीं किया जिसको मैं मेरा पैर कहके तोड़ रहा हूं वो पैर मेरा नहीं है, आखिर उसके टूटने पर कष्ट तो हमारे गुरु को ही होगा। का ऐसे ही दुनिया के हम तमाम लोग हैं, ये मेरा भगवान मेरा भगवान मेरा भगवान करके ईश्वर को इतने भागों में बांट दिया। कहीं बैठ करके वो सोचता होगा दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी मैंने ये मनुष्य बना करके भेजा और इस मनुष्य ने मुझे कितने भागों में विभक्त कर दिया, मैंने इसके जीवन के अंदर बुद्धि इसलिए दी थी कि ये उत्कृष्ट ज्ञान को अपने जीवन के अंदर स्थापित कर पाए और ये मेरे नाम से लड़ने का प्रयास कर रहा है। ये स्थिति जब समाज के अंदर चल रही थी, एक सच्चे ईश्वर की आवश्यकता थी जिसकी उपासना करके हम अपने जीवन को सुंदर और व्यवस्थित कर पाए। क्योंकि ये स्मरण रखना, ये मनुष्य भगवान को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, जो चीज इसको पसंद होती है वो चीज ईश्वर के नाम से जोड़ देता है। अगर मुझे मांस खाना है तो मैं मांस ईश्वर के नाम से जोड़ दूंगा। कभी हमारे उज्जैन के अंदर आइएगा, वहां पर एक देवता है, उस देवता को शराब की आवश्यकता पड़ती है और जब शराब की आवश्यकता पड़ती है तो केवल देवता को नहीं, फिर देवता के नाम पर प्रसाद के रूप में भक्त लोग भी उसका सेवन करते हैं। अब उनको कौन रोकने के लिए जाएगा। ये सारी व्यवस्था समाज के अंदर चल रही थी, इतनी विकृत व्यवस्था थी। जब ईश्वर के स्वरूप की बात होती थी, जिसकी जैसी बुद्धि जिसका जैसा सामर्थ्य वैसे सामर्थ्य के आधार पर वो लोग ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास करते थे। किसी चोर से पूछा गया आप भगवान को मानते हो, बोले जी हाँ मानता हूँ। बोले भगवान को जानते हो, बोले हाँ जी जानता हूँ। बोले क्या जानते हो, बोले भगवान कुछ और नहीं है, केवल और केवल इतना है राम नाम रटना पराया माल अपना। यहाँ पर भी उसने चोरी की बात की,
एक डाकू से पूछा, जी आपकी आइडियोलॉजी क्या कहती है ईश्वर के बारे में? तो वो कहता राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यहां पर भी उसने लूटने की बात की। एक खाने पीने वाले व्यक्ति से पूछा गया, बोले जी आप भगवान के बारे में क्या कहते हो? तो उसने कहा राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, तू घोल घोल के पी, खाओ पियो मजे करो, बस यही भगवान है और कुछ नहीं है। किसी धनवान व्यक्ति से जो पैसे के लालच में अंधा हुआ है, उससे पूछा गया जी क्या है भगवान, क्या है धर्म? तो वो कहता टका धर्मस टका कर्म, टका ही धर्म है टका ही कर्म है। और जिसके पास टका नहीं है वो छाती पीटते हुए एक ही बात कहता है, हा टका हा टका हा टका, इस टका के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति की जितनी बुद्धि जितनी सामर्थ जितनी योग्यता, उसके आधार पर ईश्वर को परिभाषित कर दिया। और बंधु स्थिति क्या बन गई, किसी का आसमान चौथे आसमान में ईश्वर है, किसी का सातवें आसमान में ईश्वर है, किसी का ईश्वर वैकुंठ में बैठा हुआ है, किसी का क्षीर सागर में बैठा हुआ है, किसी का कैलाश में बैठा हुआ है, ईश्वर को अनेकों स्थानों में व्यक्त कर दिया। पर आप सोच करके देखिए, अगर मेरे पेट में दर्द है और मेरा डॉक्टर मुझसे दूर है, तो वो मेरा डॉक्टर किस काम का है? अगर कोर्ट में मेरा केस चल रहा है और मेरा वकील मेरे पास में नहीं है, तो वो मेरा वकील किस काम का है? मेरे जीवन के अंदर परेशानी है, मेरा मित्र मेरे पास में नहीं है, वो मेरा मित्र किस काम का है? अगर हम मनुष्य लोग दुखों से आतप्त हैं, परेशानियों में डूबे हुए हैं, और हमारा भगवान चौथे आसमान और सातवें आसमान में हो, तो उस ईश्वर की कीमत हमारे जीवन के अंदर क्या है? लेकिन ईश्वर की कृपा से ऋषि दयानंद का आगमन जब इस धरती पर हुआ, जब उनसे पूछा गया महाराज एक बात बताओ, जितने लोगों के पास में जाते हैं भगवान के विषय में उतनी बातें लोग करते हैं, समझ में नहीं आता है कौन सा सच्चा ईश्वर है, किसकी हम उपासना करें, किसके समीप में हम जाएं, किससे हमारे जीवन के अंदर परम शांति मिलेगी? जो ये शास्त्र कहता है कि एक बार उसका हाथ पकड़ लो जीवन के अंदर, वो मनुष्य कभी पतन की ओर नहीं जाता, ऐसा वो कौन सा ईश्वर है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं सुनो, आप जीवन के अंदर शुद्ध स्वरूप ईश्वर की उपासना करना, अशुद्ध स्वरूप ईश्वर की उपासना मत करना। जैसे ही ये शब्द दयानंद ने दिया, शुद्ध स्वरूप ईश्वर की उपासना करना, उस समय के बड़े बड़े आचार्य चिल्ला पड़े, बोले दयानंद भगवान के आगे शुद्ध स्वरूप शुद्ध का प्रयोग करता है, ये शुद्ध शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है? क्या भगवान भी अशुद्ध होता है? जो दयानंद को शुद्ध लगाने की जरूरत पड़ी, आप अनुभव करके देखिएगा, आज से 40-50 साल पहले तक हमारे देश के अंदर ये डालडा अगन मगन गगन रिफाइंड ये कुछ भी नहीं होता था। जब हम बाजार जाते थे और कहते थे भैया घी दे दो, तो वो देने वाला पंसारी क्या कहता था, जी कितना दे दूं? लेकिन अगर आपको अब जाना हो और आप बाजार में जाएं और कहें भैया घी दे दो, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कितना दे दूं, आपसे पूछेगा कौन सा वाला दे दूं, क्योंकि बहुत सारे वैकल्पिक घी आ गए हैं। तो आपको क्या शब्द जोड़ना पड़ेगा, जी शुद्ध घी दे दो। ये शुद्ध घी के आगे क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि समाज के अंदर अशुद्ध घी बहुत सारे आ गए। ऐसे ही दयानंद को ईश्वर के आगे शुद्ध इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि समाज में उस समय बहुत सारे अशुद्ध भगवान बन करके घूम रहे थे। कोई कहता था ये भगवान, कोई कहता था ये भगवान। तो ऋषि दयानंद से पूछा गया, महाराज ये शुद्ध क्या होता है और ये अशुद्ध क्या होता है, इसकी भी तो कोई परिभाषा होगी कि ये ईश्वर शुद्ध है और ये अशुद्ध है। क्योंकि कई बार जब अज्ञान होता है ना, तो हम शुद्ध को भी अशुद्ध समझ लेते हैं और अशुद्ध को भी शुद्ध समझ लेते हैं। इसलिए पूरे विवेक के साथ में किसी चीज का हमको निश्चय करना पड़ता है। कहा महाराज ये पता कैसे चले कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है? तो ऋषि ने कहा एक बात सुनो, अगर शुद्ध ईश्वर के बारे में जानना है, तो एक बहुत सुंदर सी परिभाषा उन्होंने दी। बंधुओं ये स्मरण रखना, भगवान के बारे में इससे बड़ी परिभाषा आपको और कोई नहीं मिल सकती है। एक कसौटी उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा ईश्वर को आप इस कसौटी में कस लेना,
बोले जी कौन सी कसौटी है, तो वो परिभाषित करते हैं, बोले ईश्वर कौन है, का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप, शब्दों को पकड़ते चलिएगा, जो लोग वैदिक लोग हैं यज्ञ करते हैं प्रतिदिन, वो लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के दूसरे मंत्र का पाठ भी करते होंगे, और कई बार साप्ताहिक सत्संग में या सप्ताह के अंदर उसके मंत्रों के अर्थों को अगर पढ़ते होंगे तो उनको एकदम स्मरण हो जाएगा। उस हिरण्यगर्भस्य भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, इस मंत्र की व्याख्या में ऋषि लिखते हैं कि वो ईश्वर कैसा है, का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, का भगवान की ये परिभाषा है। किसको ईश्वर मानना, का जिसके अंदर सूरज बनाने की ताकत है, जिसके अंदर चंद्रमा बनाने की ताकत है, जो ग्रह नक्षत्र तारों को बना सकता है, जो समस्त सृष्टि को संचालित कर रहा है, जो सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान देता है, जो हमारे कर्मों का फल देता है, समय आने पर इस समस्त दुनिया का नाश कर देता है, का उसको सच्चा ईश्वर स्वीकार करना। लेकिन हम भगवान किसको मानते हैं, आप सबको याद होगा कुछ दिनों पूर्व पटपूर्ति के अंदर एक भगवान पैदा हुए थे, घुमराले बाल वाले, वो क्या किया करते थे, इधर से बालों को खुजाया लेकर के, और जैसे ही खुजाया रसगुल्ला बना करके निकाल करके दिखा दिया, तो लोग ताली बजाते थे, वाह कितने बड़े भगवान, बालों को खुजाया और रसगुल्ला हाथ में आ गया, इधर से बाल खुजाए, खुजाते ही घड़ी हाथ में आ गई, कहते वाह कितना बड़ा भगवान, इसने घड़ी बना दी। अच्छा एक बात सोच करके देखिए, ये रसगुल्ला बनाने का काम भगवान का है या हलवाई का है, क्या उत्तर होगा आपका, भगवान रसगुल्ला बनाता है क्या? आप सोच के देखो, ये घड़ी जो बनाता है, ये घड़ी साज वाला बनाता है या ये भगवान का काम है? अगर निश्चित रूप से हम ईश्वर स्वीकार कर लेंगे, कोई भी कहे ये भगवान है, तो इस चक्कर में मत पड़ना कि कौन रसगुल्ला बना के दिखा रहा है, कौन घड़ी निकाल करके दिखा रहा है, ये उससे कहना जी मैं ईश्वर इसको मान लूंगा, एक चंद्रमा और बना के दिखा दे, एक सूरज और बना करके दिखा दे, एक ग्रह नक्षत्र और बना करके दिखा दे, एक धरती और बना करके दिखा दे। पर ये स्मरण रखना, हमारी मानसिकता ये है कि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, थोड़ा सा चमत्कार दिख गया बस हमारी प्रतिभा हमारी बुद्धि सब की सब विकृत हो जाती है और उस ओर हम बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। कहते उनके यहाँ